देशरे लक्षे पार कला दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे 1,3793 पॉजिटिव चिन्हट होती 477 आक्रांत जीवन नहीं महामारी भाइरस तेरे देश में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 12,5,87,920 को वृद्धि पाई सेपरी वर्तमान सुधा मृत्यु संख्या 1,65,132 छुई तेज महाराष्ट्र में स्थिति अधिक संगीन रही गत 24 घंटे महाराष्ट्र में सर्वाधिक 57,074 पॉजिटिव चिन्हट होती संक्रमण रोकने को महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन जारी रही छत्तीसगढ़ में 5,250 कर्णाटक 4,553 उत्तर प्रदेश 4,136 दिल्ली 4,033 पॉजिटिव चिन्हट होती संपर्क में आलोचना पाई गगन विश्वाल आम दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित जोड़ गगन जदि कह स्थिति वर्तमान सांघातिक आज कथा जदि कह लक्ष्य अतिक्रम कर आक्रांत संख्या 24 घंटा मध्य दिल्लीर स्थिति कौन कौन देखो निमित्ता निश्चित भाव कौट ना कौटी सब स्थिति बर्तमान बिगड़ा लगी खास कर 36 स्टेट कहि महाराष्ट्र पंजाब छत्तीसगढ़ तेलंगाना कर्णाटक केरला एवं पंजाब ये जो 36 स्टेट रही एगारटी स्टेट जहां केन्द्र सरकार का डाटा कौन केन्द्र सरकार तथ्य कौन 90% केस देखिए भारत वर्ष एगारटी स्टेट रु बिलंग कर खास कर बर्तमान महाराष्ट्र जो भाव जो पिक मोड को आसी 57,000 जो भाव गत काली केस रिपोर्ट होती तेज कौटा कौटी सब उभय राज्य सरकार कहतु केन्द्र सरकार कहतु बा सबू राज्यर बर्तमान चिंता वृद्धि कर महाराष्ट्र रही केस वृद्धि हवा कहीं बर्तमान जेहेतु वीकेंड लकडाउन जारी होती नाइट कर्फ्यू बर्तमान गोटे प्रकार लागू कराई तेणु लोक मैंने निश्चित भाव पुणी थे बेक करेंगे पूर्व थर जो स्थिति उपजी लोक मैंने कौट ना कौट आशातीत भय अवस्था को आसीगले तेणु लोक मैंने जितने बेक करेंगे तेणु पुणी अन्य राज्य गुड़े संक्रमण वृद्धि होवर मैं जथेष संभावना रही तेणु या एड़े दि जा न पारे गत काली देखिए उभय केन्द्र सरकार के जो गुरुत्वपूर्ण बैठक रहा प्रधानमंत्री निजे बैठक ने सबू राज्यर जो कौन स्थिति रही से नहीं गोटे प्रकार गोटे मेसेज देले जे गोष्ठी सचेतनता ही गोटे एकमात्र चाबिकाठी बर्तमान कंट्रोल करने भाव गृहमंत्री अमित शाह लगातार भाव बैठक करता नौ राजीव गुबा जी रही गृह मंत्रालय चीफ सेक्रेटरी सी सबू राज्यर स्थिति उपर नजर रखिंट कौट ना कौटी बर्तमान 55 दिन पर जो स्थिति बर्तमान बिगड़ी जाती यदि बर्तमान अधिक रु अधिक लोक सचेतन हे तेणु पुणी थे पूर्व स्थिति को आम चलीजा बोली विशेषज्ञ मैंने मत प्रकाश कर लोकों मनरे बेस खामखियाली वृद्धि पाई अनेक जगार आम देखु खुलम खुला भाव मास्क पिंधुना सामाजिक डिस्टेंस नाई जदि भी अनेक जगार जेहेतु मार्केट खोली ओपन रही तेणु लोक मैंने यातायात करो जो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पानी मास्क पिंधा निहाती आवश्यक रही बारंबार मुझे गोटे कथा आम जानते पूर्व लहर कथा कह स्थित जिते बड़े सांघातिक लॉकडाउन शटडाउन ए सबू को आमको सामना करने को पड़ा वर्तमान जदि कह आज जो भाव 1,00,000 अतिक्रम कर पूरा देश तमाम तेज ताधाधिक रही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्थिति वर्तमान सांघातिक रु अति सांघातिक होबारे लगी तेणु केन्द्र सरकार पक्षर किभली आपको रोक लग जा कौन सब कटक रही कौन सब व्यवस्था कर अलरेडी कह एप्रिल मासर कटकणा एप्रिल मासर गाइडलाइन जारी कर कौन सी संपूर्ण रूपे राज्य को लॉकडाउन करें सीधा साल केन्द्र सरकार देखते कहीं जीवन जीविकार कथा पुणी थे जो भाव इकोनोमिक कोलाप्स तेणु भारत सरकार चाहूना जो पुणी थे अर्थव्यवस्था मंदा स्थिति को जाऊ तेणु ये सचेतन हबार जथेष आवश्यकता रही है आउ गोटे कथा कही रखा निमित्ता जो भाव राज्य सरकार गुड़िक पूर्व जो कड़ा पदक्षेप नौले लोक चेकिंग कराला प्रति मुमेंट रे फाइन कराला लोक आदाय कराला फाइन तेणु लोक मैंने बाध्य होते इच्छा ना मास्क पिंधा तेणु से ही स्टेप गुड़ाक ही छोट छोट स्टेप जना पड़ा कि छोट छोट स्टेप ही आमको सचेतन कराई भारत कंट्रोल मोड को जाता कि हटात देखाला सबू राज्यर स्थिति बिगड़ी गला जो बाहर ऋतु आसला और जी कहि होली पूर्वर स्थिति जो डिसेंबर जनवरी जो स्थिति रहा न्यू ईयर सेलिब्रेशन परे जो सबू राज्य कौटना कौटी टी हालका मनोभाव नहीं कौन सी संदेह ना कहीं अनेक जगह देखाला जो ओपन सिस्टम करदे केन्द्र सरकार स्विमिंग पुल ठू आरंभ करी क्रिकेट पर्यटन तेणु सबुठी लोक मैंने सीधा साल रुंड हेले कौन सी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करानी जार स्थित बर्तमान देखा मिली समस्त बर्तमान फिल करेणु बर्तमान सबू राज्य
ରାଜ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନତା କରନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍, ସବୁ ରାଜ୍ୟ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଭଳି ଏକ୍ଟିଭ ମୁଡକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଆମେ ହାତ ଖାଲି କରିକି ବସିବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଉଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଣିଥିବେ ଯେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ବା ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।